पाकिस्तान बॉर्डर पर बड़ी साजिश का खुलासा, सांबा में अंतर्राष्ट्रीय सीमा से 150 मीटर अंदर मिली सुरंग। चक फकीरा पोस्ट के पास मिली सुरंग, बीएसएफ आज करेगी सुरंग की जांच। सुजवा में फिदायीन हमले से जुड़ रहे तार, इसी सुरंग के जरिए आतंकी घुसपैठ का शक। सूत्रों के मुताबिक भारतीय क्षेत्र में सुरंग का मुहाना, तारबंदी से महज 50 मीटर फासले घास के नीचे छिपाई गई थी सुरंग। सुरंग के मुहाने से घाट हटाने पर अंदर मिले हरे रंग के प्लास्टिक बैग्स, पूरे इलाके में सख्त चेकिंग अभियान। जोधपुर में झंडे विवाद में भड़की हिंसा के मामले में अब तक 141 आरोपी गिरफ्तार। जोधपुर में 6 मई की रात 12 बजे तक बढ़ा गया कर्फ्यू। जोधपुर हिंसा के मामले में अब तक 14 एफआईआर दर्ज, उपद्रव के दौरान 50 वाहनों में तोड़फोड़ का दावा। पुलिस ने शुरू किया नुकसान का सर्वे, हिंसा में 13 मकान और 5 दुकानें क्षतिग्रस्त। उपद्रव के दौरान घायल हुए 9 पुलिसकर्मी, जोधपुर पुलिस का दावा फिलहाल नियंत्रण में है हालात। जोधपुर हिंसा को लेकर गुलाबचंद कटारिया का बड़ा बयान, उपद्रव में पीएफआई का हाथ होने का दावा किया। राजस्थान में मंदिर ढहाने और हिंसा के विरोध में आज बीजेपी का राज्यव्यापी आंदोलन, अलवर से होगी शुरुआत। अलवर में सुबह 10 बजे सभा के साथ होगी प्रदर्शन की शुरुआत, राजस्थान बीजेपी के बड़े नेता, सांसद और विधायक होंगे शामिल। करौली, जोधपुर और अलवर के बाद भीलवाड़ा में तनाव, एक समुदाय के 2 युवकों पर हमला। सांगानेर इलाके में उपद्रवियों ने दोनों युवकों को बुरी तरह पीटा, उनकी बाइक को किया आग के हवाले। भीलवाड़ा का संवेदनशील इलाका है सांगानेर, युवकों से मारपीट के बाद पुलिस बल तैनात। दिल्ली के वेलकम इलाके में 2 बच्चों के बीच झगड़े के बाद आमने सामने आए 2 समुदाय के लोग, दोनों तरफ से चले पत्थर। 4 लोगों के खिलाफ दंगे की धाराओं में केस दर्ज, अब तक 3 की गिरफ्तारी, 1 की तलाश। पुलिस को मिला हंगामे का सीसीटीवी फुटेज, अब तक 37 लोग हिरासत में लिए गए। हैदराबाद में हिंदू लड़की की दिनदहाड़े बेरहमी से हत्या, दूसरे समुदाय की लड़की से की थी शादी। शादी से नाराज समुदाय पर हत्या का आरोप, सीसीटीवी में कैद हुई वारदात, हिंदू संगठनों का प्रदर्शन शुरू। राजद्रोह मामले में आज जेल से रिहा होगी अमरावती की सांसद नवनीत राणा, पति रवि राणा की भी आज ही रिहाई होगी। राणा दंपति को अदालत ने शर्तों के साथ दी है जमानत, सबूतों से छेड़छाड़ न करने की हिदायत। रिहाई के बाद इस मामले पर प्रेस से बात नहीं कर सकेंगे राणा दंपति, बेल के लिए कोर्ट ने रखी है शर्त। जमानत मिलने के बाद भी जेल में गुजरी राणा दंपति की रात, कोर्ट के आदेश के बाद कागजी कार्रवाई में लगा वक्त। राणा दंपति को कोर्ट से राहत, लेकिन बीएमसी ने बढ़ाई मुसीबत, मुंबई के खार वाले घर पर चिपकाया अवैध निर्माण का नोटिस। लाउडस्पीकर पर मुस्लिम धर्म गुरुओं का बड़ा फैसला, मुंबई में 26 सुन्नी मस्जिदों में रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक लाउडस्पीकर पर नहीं होगी अजान। वाशिम में बिना माइक और लाउडस्पीकर पर हुई सुबह की अजान, नमाज के लोगों को घर घर जाकर उठाया गया, फोन से दी गई सूचना। लाउडस्पीकर विवाद को लेकर महाराष्ट्र जारी है बवाल, सोलापुर में एमएनएस कार्यकर्ताओं के साथ पुलिस की झड़प। नासिक में हनुमान चालीसा पढ़ने की कोशिश में बड़ा विवाद, एमएनएस के 150 कार्यकर्ताओं को पुलिस ने दबोचा। पुणे के पुणेश्वर हनुमान मंदिर तक पहुंचा लाउडस्पीकर विवाद, एमएनएस कार्यकर्ताओं ने की महाआरती। लाउडस्पीकर पर अजान के खिलाफ हनुमान चालीसा पर अड़े राज ठाकरे, कहा निवेदन से नहीं समझे तो आंदोलन से समझाएंगे। एमएनएस के अध्यक्ष राज ठाकरे ने फिर दोहराई चेतावनी, बोले लाउडस्पीकर पर हुई अजान तो बजेगा हनुमान चालीसा। एमएनएस कार्यकर्ताओं की धरपकड़ पर बरसे राज ठाकरे, कहा कानून का पालन करने वालों पर क्यों हो रही है कार्रवाई। शिवसेना के बयान पर राज ठाकरे का पलटवार, कहा एक दिन की बात नहीं, लाउडस्पीकर उतरने तक जारी रहेगा आंदोलन। लाउडस्पीकर विवाद को लेकर शिवसेना ने राज ठाकरे को घेरा, संजय राउत बोले एक दिन की नौटंकी, रात गई बात गई। आंदोलन का नौबत नहीं आ जाएगी किसी को, एक दिन का ये नौटंकी होती है, रात गई बात गई।
लाउडस्पीकर विवाद पर शरद पवार की अध्यक्षता में महाघाटी गठबंधन की बैठक। महाराष्ट्र में कानून व्यवस्था को लेकर माथापच्ची। राज ठाकरे पर कांग्रेस का तंज। तारिक अनवर बोले, बहुत दिन से थे बेकार, बीजेपी ने काम पर लगा दिया। देखिए ऐसा है कि राज ठाकरे जी बहुत दिनों से बेकार हैं, उनके पास कोई काम नहीं है। हमको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने उनको हायर किया है और इस काम में लगाया है। राज ठाकरे के साथ महाराष्ट्र सरकार की तनातनी पर बीजेपी की चुटकी। मुख्तार अब्बास नकवी बोले, महाराष्ट्र में वर्चस्व की जंग, पारिवारिक झगड़े में ना बिगाड़े देश का माहौल। दिल्ली में बुलडोजर ने फिर पकड़ी रफ्तार। आज करंदी कुंज और जामिया नगर में ढाए जाएंगे अवैध निर्माण। दक्षिणी दिल्ली में करंदी शूटिंग रेंज इलाके में एमसीडी ने की तोड़फोड़। बुलडोजर से गिराया कई अवैध निर्माण। दिल्ली के शाहीन बाग में अतिक्रमण हटाओ अभियान की तैयारी। 9 मई से गरजेगा बुलडोजर। शाहीन बाग में 13 तारीख तक चलेगा अतिक्रमण हटाओ अभियान। नगर निगम ने की पुलिस बल की मांग। कोलकाता में ममता सरकार के खिलाफ बीजेपी का हल्ला बोल, चुनावी हिंसा को लेकर विरोध प्रदर्शन। मुजफ्फरनगर में कुख्यात संजीव जीवा का पर एक्शन, पत्नी की 3 करोड़ की संपत्ति सील। मथुरा में भी योगी सरकार का एक्शन, शराब माफिया की 35 लाख की संपत्ति की गई जब्त। अकोला में तालाब में मिली 2 लाशें, अब तक मौत की वजह नहीं चली पता। इटावा में बस की कंटेनर से टक्कर, 2 की मौत, कई मुसाफिर घायल। पटना में इस्कॉन मंदिर के उद्घाटन के दौरान चोरों ने दिखाया आधा दर्जन महिलाओं के गले से झपटी सोने की चेन। तरन तारण में एनआरआई के कत्ल केस की गुत्थी सुलझी, एक लड़की और उसका प्रेमी गिरफ्तार। झालावाड़ में टोल कर्मी को टक्कर मारने वाली गिरफ्तार, टोल पर्ची काटने पर किया था हमला। प्रयागराज में बदमाशों के साथ पुलिस की मुठभेड़, 3 बदमाश घायल। सीवान में बदमाशों ने जवान को मारी गोली, जवान की हालत फिलहाल खतरे से बाहर। राकेश टिकैत ने फिर दी बड़े आंदोलन की चेतावनी, किसानों पर केस दर्ज वापस न होने पर नाराजगी। बीएसपी सरकार में मंत्री रहे हाजी याकूब कुरैशी पर पुलिस का शिकंजा, घर पर चस्पा किया कुर्की का नोटिस। पत्नी और बेटों के साथ 31 मार्च से फरार है याकूब कुरैशी, पूरे परिवार के खिलाफ जारी है गैर जमानती वारंट। खरगोन में हिंसा के बाद का तनाव खत्म, कर्फ्यू से मुक्ति, कल से खुलेंगे धार्मिक स्थान। अमित शाह के पश्चिम बंगाल दौरे में हुआ बदलाव, अब 2 दिन के दौरे पर आज कोलकाता पहुंचेंगे गृहमंत्री। कांग्रेस नेता राहुल गांधी 10 मई को करेंगे गुजरात दौरा, दाहोद से आदिवासी अधिकार सत्याग्रह अभियान की करेंगे शुरुआत। यमुनानगर में तेज आंधी के साथ बेमौसम की बारिश बनी आफत, पहाड़ी नदी में फंसे लोग। स्थानीय लोगों ने किया फंसे लोगों का रेस्क्यू, गांव में एक घर गिरा। हुबली में भारी बारिश से कई पेड़ गिरे, तूफान की वजह से लोगों को हुई दिक्कत। दिल्ली के कई इलाकों में बारिश, गर्मी से मिली राहत। नागपुर में तेज गर्मी से हालत खराब, जनजीवन पर पड़ा असर। जम्मू के कई इलाकों में बारिश, बिहार कटी गर्मी से लोगों को मिली राहत। पहाड़ों पर भी शुरू हुई बरसात, शिमला में बारिश के साथ गिरे ओले। हैदराबाद में मौसम बदला, कई इलाकों में पानी भरने से लोगों की बड़ी मुश्किल। चंडीगढ़ में बारिश से मौसम हुआ सुहाना, तपती गर्मी से मिली राहत। ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर में बदला मौसम, झमाझम बारिश ने गर्मी से दिलाई राहत। पीएम मोदी के 3 दिन के यूरोपीय दौरे पर समापन, आज सुबह 11 बजे दिल्ली पहुंचेंगे। दौरे के आखिरी पड़ाव में मोदी पहुंचे पेरिस, राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों से किया गर्मजोशी से स्वागत। मोदी और मैक्रों के बीच रूस यूक्रेन की जंग पर चर्चा, भारत ने दोहराया रुख, कहा बातचीत से सुलझे विवाद। जंग के बाद के हालात पर भी मोदी की मैक्रों से हुई बात, गेहूं और खाद के संकट की हालत में दोनों देश मिलकर करेंगे दुनिया की मदद। रक्षा और समुद्री सुरक्षा जैसे तमाम मुद्दों पर मोदी की मैक्रों से बात, फ्रांस से भारत का रणनीतिक भागीदार। पेरिस से पीएम मोदी का जोरदार स्वागत, मोदी मोदी के लगे नारे। एयरपोर्ट पर जमा थे भारतीय समुदाय के सैकड़ों लोग, पीएम ने की मुलाकात। डेनमार्क से फ्रांस पहुंचे पीएम मोदी, पेरिस में भारतीय समुदाय ने लगाए मोदी मोदी के नारे, राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ द्विपक्षीय मुलाकात। नॉर्वे के प्रधानमंत्री जोनस गाहर से मिले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, दोनों नेताओं के बीच द्विपक्षीय संबंधों और विकास सहयोग को लेकर माथापच्ची। डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन में आइसलैंड की पीएम से भी पीएम की मुलाकात, दोनों देशों के बीच आपसी सहयोग बढ़ाने की बात। उत्तराखंड के पोखरी में पतंजलि वेलनेस सेंटर पहुंचे यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ, बाबा रामदेव और बालकृष्ण ने किया स्वागत। बाबा रामदेव ने उतारी उत्तर प्रदेश के सीएम की आरती, योगी ने बाबा रामदेव के हेल्थ सेंटर का किया उद्घाटन। उत्तराखंड दौरे के दूसरे दिन सीएम योगी ने परिवार के साथ की गांव की सैर, बच्चों के साथ खिंचवाई तस्वीर। पारिवारिक समारोह में भी शामिल हुए सीएम, भतीजे को तिलक और हल्दी लगाकर दिया आशीर्वाद।
उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने रिलीज की हेमवंती नंदन महुगुणा पर लिखी किताब। राजनाथ सिंह और उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी रहे मौजूद। प्रशांत किशोर आज करेंगे अपनी रणनीति का ऐलान। बिहार में पार्टी बनाने की कर सकते हैं घोषणा। किशोर ने किया था ट्वीट, अब जनता के पास जाने का वक्त। राजदूत मामले पर आज सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई। कानून को बताया गया है संविधान के खिलाफ। केंद्र ने राजदूत मामले में जवाब देने के लिए एक हफ्ते का दिया है वक्त। 3 याचिकाएं की गई हैं दायर। बंगाल में टीएमसी लेगी आज कुछ अहम फैसले। ममता बनर्जी शाम 4 बजे करेंगी ऐलान। पन्ना में चमकी एक मजदूर की किस्मत। खान से मिला 50 लाख का कीमती हीरा। विजयवाड़ा में आम के किसान की खुशी। कोविड के 2 साल बाद कारोबार वापस पटरी पर। मुरादाबाद में महिला पुलिसकर्मी का वीडियो वायरल, बच्चे के साथ कर रही है ड्यूटी। अमृतसर में आई वर्ल्ड फूड प्रोग्राम की टीम। अफगानिस्तान के लिए पैक हो रहा है गेहूं देखा। रोहतक में सीएम कट्टर की रैली। रोहतक के लिए 2 करोड़ की योजनाओं का किया ऐलान। सरकारी दफ्तर होंगे शिफ्ट। आरबीआई के बाद ऐलान के बाद होम और ऑटो और पर्सनल लोन समेत तमाम तरह के कर्ज लेना हो जाएगा महंगा। मौजूदा ग्राहकों की ईएमआई में भी हो जाएगा इजाफा। रेपो रेट में बढ़ोतरी के बावजूद आरबीआई ने उदार रुख बरकरार रखने का दिया भरोसा। का आर्थिक रफ्तार बढ़ाने के लिए करते रहेंगे मदद। जून में होनी है आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की अगली बैठक, लेकिन महंगाई में जारी बढ़ोतरी के बीच आपातकालीन बैठक बुलाकर लिया गया फैसला। इस साल गर्मियों के सीजन में 90 लाख एसी की बिक्री का अनुमान। अप्रैल में 17.5 लाख एसी की बिक्री के साथ बना एक महीने में सबसे ज्यादा बिक्री का रिकॉर्ड। अक्षय तृतीया पर तीसरे साल लौटी सराफा। बाजार की रौनक 2019 के मुकाबले गोल की बिक्री 22% बढ़कर 13,000 करोड़ के पार निकली।